नमस्कार, आप सभी बच्चों को अपने वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे मैं बता रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग लेके चले थे, अब हम लोग इसी को आगे टाइप को कंटिन्यू करेंगे। तो कोशिश हमारी भरतक है कि मैं रोज से रोज एक वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, एक या दो वीडियो आपको जरूर मैं लेके आऊंगा। बस उसी के लिए मैं लगा हूं। देखिए, आज मेरी गला भी थोड़ी खराब है, तब भी मैं जितने नहीं माना क्लास लेने के बावजूद भी कि नहीं, तब भी आप लोग के लिए एक दो वीडियो जो भी करना है वो करके ही करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चनों को अगर हम लोग बेसिकली लगाते हैं तो बहुत लेंदी जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन को देख के आंसर लगाना, दो सेकेंड में आंसर लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे देखें ना तो आंसर लगा। इस टाइप के क्वेश्चन झूठ में डराने के लिए देता है। लेकिन सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि इसको बेसिकली तरीके से कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 600 रुपए की दर से खरीदता है। सबसे पहले सवाल को समझिए कि मोहन जो है वो दो को कुछ भी वस्तु खरीदा। मान लीजिए साधारण रूप से दो को बैग खरीदता है, एक बैग खरीदा 600 में और एक और बैग खरीदा 600 में। वह पहली वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। क्या है ना कि पहला जो बैग खरीदा था उसको उन्होंने लाभ पर बेचा। कितना लाभ पर बेचा? तो उन्होंने 50% लाभ पर बेचा। और दूसरे बैग को उन्होंने 20% हानि पर बेचा। दूसरे बैग को उन्होंने 20% हानि पर बेचा है। पहले को प्रॉफिट में बेचा, दूसरे को लॉस में बेचा है। कथा है पूरे व्यापार में उन्हें कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो सभी लोग कॉपी कलम निकाल के बैठेंगे और जो जो चीज मैं बताते जाता हूँ सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे कि इसको सबसे पहले हम लोग बेसिकली कैसे बनाते हैं, बेसिक से कैसे बनाते हैं, मतलब मूल रूप से हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, आवाज आप लोग का क्लियर होगा? ठीक है। और प्यारे बच्चों, जब भी आप लोग वीडियो को देखते होंगे तो हाई क्वालिटी करके देखिए। बार बार लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं आपको बता दूं, वीडियो की क्वालिटी बहुत ही सुपर है। यदि आप जब भी वो देखें, नेट की सेटिंग को सबसे पहले बढ़िया से कर लीजिएगा, एक एक वर्ड एक एक फॉन्ट आपको दिखेंगे। तो क्वेश्चन मैं समझा दिया। तो मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 600 रुपए की दर से खरीदता है। सबसे पहले बेसिक से बनाने के लिए यहां पे लिखते हैं हम लोग वस्तु वन और यहां पे हम लोग लिखते हैं वस्तु टू। ठीक है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 600 रुपए की दर से खरीदता है। पहले को खरीदा उन्होंने 600 में, दूसरे को भी खरीदा उन्होंने 600 में। ठीक है, दोनों को 600 में खरीदा। वह पहली वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। प्रॉफिट परसेंट लाभ 50 और इसको उन्होंने 20% हानि पर बेचता है। लॉस बराबर 20%। आपको पता होनी चाहिए कि जब क्रय मूल्य और लाभ दिया गया है तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना है? 600 है गुने 100 प्लस 50, 150 बटे 100। 2 0 2 0 15 का 6 से गुना करेंगे 900। कहने का मतलब है, फिर से एक बार समझिएगा, पहले वस्तु को उन्होंने 600 में खरीदा और उसे 50% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा? क्रय मूल्य का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 होगा। ये फॉर्मूला हमें पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करके बताया हूं। तो सीपी की जगह पे हम लोग 600 रखेंगे गुना 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है 50%, 50 यहां पे आ जाएगा 150 बटे 100। 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। 150 को अगर हम लोग 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 900। अब यहां पे ध्यान दीजिए, दूसरा कैलकुलेशन, सीपी 600, लॉस 20% है, तो यहां पर विक्रय मूल्य निकालना है। एसपी बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए, सीपी गुने 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। कहने का मतलब सीपी अगर 600 दिया गया है, 100 माइनस 20 होगी, 100 माइनस 20 बटे 100 होगा। ठीक है, कहने का मतलब 600 गुने 80 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखेंगे 6 को जब इससे गुना करेंगे हो जाएगा 480। तो यहां पर कैसे पूरे व्यापार में लाभ और हानि परसेंट कह रहा है, तो पूरे व्यापार में लाभ और हानि तभी निकाला जा सकता है। पहला दिन ही हमने बताया था कि लाभ और हानि तभी निकाली जा सकती है जब हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि टोटल एक वस्तु को जब 600 में खरीदता है तो 900 में बेचता है,
दूसरे को 600 में खरीदता है, 480 में बेचता है। अब देखते हैं टोटल व्यापार में, जब तक हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं होगा कि कितने में टोटल उसको खरीदने में लगा, टोटल बेच के कितने में पैसा आएगा, तब तक हम लोग लाभ और हानि नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो टोटल क्रय मूल्य सबसे पहले निकाल लीजिए, यहां पर लिखते हैं हम लोग टोटल सीपी, टोटल सीपी बराबर 600 प्लस 600 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200। 600 एक बैग को खरीदेगा, 600 एक और बैग को खरीदेगा, तो टोटल खरीदने में उसको 600 और 600 कितना लग गया 1200 लग गया। टोटल बेच के कितना पैसा आ रहा है, एक को बेच रहा है 900 में, दूसरे को बेच रहा है 480 में, 900 प्लस 480 1380। अगर एक को 1200 में खरीद रहा है और एक को 1380 में बेच रहा है तो उसको कितना होगा लाभ होगा, प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1380 में 1200 घटा देंगे 180 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। सीपी कितना है बच्चों, क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं। दो जीरो खत्म हो गया, 12 से अगर आप उसको काटते हैं तो 15% की क्या होगी लाभ होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा जो ये अपने बेसिकली रूल से बनता है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हों बेहतर तरीके से समझे होंगे, बहुत धीरे धीरे मैंने समझाया, अब इसे एक बार और समझने के लिए एक बार दो बार आप आराम से पीछे कर करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यदि एक प्रश्न अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए, एग्जाम्स में, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यदि परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या है, सर ने क्या कहा था। तो मैं आपको कहने जा रहा हूं, नोट में मैं लिख दूंगा एकदम एक एक चीज, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए, जब दो या दो से अधिक, दो पहले दो ही लिखिए, लिखिए जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा जाता हो, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा जाता हो और पहली वस्तु को x परसेंट लाभ या हानि तथा दूसरी वस्तु को y परसेंट लाभ या हानि पर बेचा जाता हो तो पूरे व्यापार में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बराबर x प्लस y बटे 2। यदि लाभ होगा तो प्लस में लिखेंगे, हानि होगी तो माइनस में लिखिएगा। एकदम बेहतर तरीके से देखिए, क्वेश्चन है जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, जब भी कोई भी बिजनेस करेंगे और दोनों ऑब्जेक्ट्स है, दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा जाएगा और पहले को जितने परसेंट लाभ पर बेचा जाएगा, कुछ भी हो सकता है, हो सके दोनों को हानि पर बेचेंगे, हो सके दोनों को लाभ पर बेच सकते हैं, हो सके एक लाभ एक हानि होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कुछ भी होगा समान मूल्य पर खरीदना चाहिए। जब भी हम इसे मान लीजिए समान मूल्य पर खरीदेंगे और एक को x परसेंट लाभ, दूसरे को y परसेंट लाभ पर, x परसेंट हानि, दूसरे को भी y परसेंट हानि, x परसेंट लाभ y परसेंट हानि पर बेच दिया जाए, इन कंडीशंस में
एक लाइन में बनाने के लिए ये फंडा को अपनाएंगे। तो यहां पर सभी बच्चों को मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना में खरीदता है, चलिए ये फॉलो करेगा। पहले को 50% लाभ पर बेचा भाई तो ये प्लस में लिखाएगा, दूसरे को 20% हानि पर बेचेगा भाई तो माइनस में लिखाएगा, पहले को प्लस दूसरे को माइनस में। तो देखिए एक लाइन में क्वेश्चंस को देखा नहीं तो आंसर आएगा, ये सब क्वेश्चंस को देखते ही आंसर। अब क्वेश्चन यहां पर लिख दीजिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर 50 है भाई प्लस में लिखाएगा, 20 हानि है 20 माइनस में लिखाएगा, भागा दो कर दो यार, 50 में दो चला गया 30, 30 को दो से भागा दे देंगे 15% क्या आ गया। एक लाइन में चुटकी देखते, हमने बोला एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के अभी मैं दो तीन क्वेश्चंस करता हूं, तो जब दो वस्तु रहेंगे तो हम लोग ये फंडा अपनाएंगे, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चंस और दो क्वेश्चंस में इसके साथ मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो बेहतर दूसरे क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा, तो अब हम लोग इस टाइप का दूसरा क्वेश्चंस और तीसरा क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को सबसे पहले समझिएगा। सपना दो सलवार सूट में से प्रत्येक को 900 रुपया की दर से खरीदती है, वह पहली सूट को 20% लाभ पर तथा दूसरी सूट को 20% हानि पर बेच देती है, पूरे व्यापार में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चंस को सबसे पहले समझिए, इसके पहले वाला क्वेश्चंस में जस्ट हमने देखा था कि मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 600 रुपए की दर से खरीद रहा था, एक को जब 50% लाभ पर बेचा गया था, दूसरे को 20% हानि पर बेची गई थी, तो इस पूरे व्यापार में क्या हुआ था कि हमने क्या बोला था कि x प्लस वाई बाई टू कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन यहां पर क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो में से प्रत्येक को 900 रुपए की दर से खरीदता है, जो नोट आपने लिखा है वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, और पहली सूट को वह 20% लाभ पर और दूसरी सूट को वह 20% हानि पर होगा। कहने का मतलब अगर हम लोग यहां पर इसको अगर फंडा अपनाते हैं, पीएल प्लस 20 प्लस 20 माइनस बटा दो, 0/2 मतलब 0%, 0% को हम लोग क्या कर सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन क्या आप इसे याद रहेगा, इसीलिए मैं आपको नोट लिखा दे रहा हूं, आप नोट लिख लो, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा कि जब मैं लिख भी दे रहा हूं, मेरे साथ आप लोग लिखिए, सब लोग लिखते जाइए, जब दो वस्तुओं को जो दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा जाए, बेचा जाए नहीं खरीदा जाए, जहां बेचा जाए वहां का तो दूसरा चीज ऑप्शन होगा, यहां खरीदा जाए बार बार। तो अब लोग बोलेगा याद कैसे रहेगा खरीदा जाए, अभी मैं कुछ ही देर के बाद दूसरा नेक्स्ट पार्ट में आएगा जहां बेचा जाए, तो वहां कैसे करेंगे, समान मूल्य पर खरीदा जाए और पहली वस्तु को जितना परसेंट लाभ पर बेचा जाता हो, दूसरी को उतना ही परसेंट हानि पर बेचा जाता हो, जितना मतलब x परसेंट अगर लाभ पर बेचा जाता था x लिखेंगे, x परसेंट हानि पर बेचा जाए, मतलब ये 20 और ये 20 देखिए यहां पर जैसे बराबर है, हो सके 30-30 भी हो सके, 40-40 भी हो सके, इसलिए मैं लिखा हूं जितना परसेंट मतलब 20% लाभ पर बेचा गया तो उतना ही हानि हो, मतलब 20% का ही हानि हो तो व्यापार में ना लाभ और ना ही हानि होता है। तो एक एक चीज बेहतर तरीके से मैं लिखा दे रहा हूं ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना पड़े, ठीक है कि नहीं। और मैं चाहता हूं कि कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा, एसएससी सीजीएल्स वाले बच्चे, आप लोग परेशान नहीं होइए, ये वीडियो भी मैं सिखा रहा हूं। आप लोग कितना एडवांस लेवल का क्वेश्चंस पढ़ना चाहेंगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो आपको फिलहाल अभी वैसा कोई सीजीएल्स का पेपर नहीं है, तो नजदीक आता तो मैं इसमें भी अभी मैं सिखा रहा हूं, सिखाने के साथ साथ प्रत्येक चैप्टर में 5 से 6 वीडियो मैं एडवांस लेवल का बनाऊंगा, जो मतलब एसएससी सीजीएल्स का टीयर 1 टीयर 2
और कौन बोलता है कि एसएससी सीजीएल का टीयर वन टीयर टू सर नहीं पढ़ाते हैं, वो नहीं पढ़ाते होंगे हमारे तरीके से, आप लोग परेशान मत होना, इतना जग जग के मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, एडवांस मैथ। और कौन कहता है कि नहीं एसआई बहुत बड़ा टफ चैप्टर है, सीआई बहुत टफ चैप्टर, अरे चूंटा की तरह मैं बताऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगी ना सर का क्या स्टाइल है। सो ठीक है, फर्जी लोगों के बातों में ना सुनकर रहना बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो कहीं टफ लग रहा है कहीं नहीं टफ लग रहा है, क्यों, मेरी तरीका कुछ अलग है। और दूसरे तरीके यार क्या उन लोग लेंदी लेंदी करके बनाने से, देखो क्वेश्चन मारो यार, 20% है तो जीरो आंसर होगा, अब लेंदी उसको जानबूझ के बनाओगे, क्लासेस में कहे जाते हैं कमेंट्स में सीआई बहुत लंबा बनता है सीआई में, अरे सीआई देख के बनेगा यार, उनको नहीं आता तो उनके प्रॉब्लम्स है ना यार, तो आप देखोगे तो आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे, बहुत जानदार शानदार तरीके से सीखेंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग वेट करो धीरे धीरे सब, टाइम एंड वर्क बोला जा रहा है कि सर टाइम एंड वर्क बहुत लेंदी बनता है, फ्रैक्शन करके बनता है, कुछ भी नहीं बनता यार, इजी वे में बताऊंगा, परेशान ना, हर चैप्टर को एकदम शॉर्ट आउट करके मैं दूंगा, इतना मजा आएगा कि आप ख्वाबों में नहीं सोच सकते कि इतना मजेदार। अभी मैंने दो चैप्टर दिया, परसेंटेज अभी दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा हूं, तो ये एकदम बेहतर तरीके से होगा, आप परेशान नहीं रहिए, एक एक चीज को मैं जिस तरह कर रहा हूं उस तरह आप मेरे तरीके से चलो, और जिसमें जैसे मैं यहाँ पे बता के मैं प्रैक्टिस पेपर आप लोग डाउनलोड करके उसको हल कीजिए। देखिए मेरी तबीयत आपको देख के भी पता चल रहा है कि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, लेकिन तब भी मैं आपके बीच में हूं, क्यों, ये आपका जुनून, ये आपका प्यार, एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहता हूं, एक दिन में हम लोग देखिए एक्स्ट्रा वीडियो शूट करके रह रहा हूं, 12-14 घंटा क्लास लेने के बाद अभी देखिए आपके लिए वीडियो शूट किया, अरे 9 बजे रात तक मैं करूंगा, 7 बजे से अभी आया हूं, 9 बजे तक करूंगा, चाहे कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, क्योंकि बेहतर करना है और बेहतर करने के लिए आदमी को मुश्किलें आती है, उस मुश्किलों से अगर भागेंगे तो जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी, चाहे उस जगह पर आप हैं चाहे उस जगह पर हम हैं, आपको भी कठिनाई होगी स्टूडेंट लाइफ में, क्यों नहीं होगा यार, बिल्कुल होगा, लेकिन उस कठिनाई को दूर करना है, उस कठिनाई को छोड़ना है, उस कठिनाई को भुलाना है, तो हमें भी कठिनाई तो बिल्कुल मिल रही है, बहुत कठिनाई मिलती है, लेकिन उतना एहसास नहीं करना चाहिए कि मुझे कठिनाई मिल रही है, वो जानिए कि मानव है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो बेफिक्र रहिए और बेहतर तरीके से कीजिए। और एक एक चैप्टर डर कोई डराता है ना तो बेफिक्र रहो, आप उनको मेरा नंबर दे देना, मेरे से बात कर लेंगे, वो 12 बजे रात में जगे रहता हूं, मेरा नंबर 9430330 वाला नंबर दे देना, वो हमसे बात कर लेंगे, डोंट वरी, देखता हूं। आप लोग को डराया जाता है, आप लोग को बहला, मतलब ये क्या बोलते हैं, बहलाए फुसलाए जाए, ये है, ये कुछ भी नहीं है यार, बहुत बेहतर है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, देखते हैं ना कौन चैप्टर में कौन चैप्टर का कौन किताब का कौन क्वेश्चन सबसे नहीं बन रहा है, देखता हूँ ना कितनी मार्केट में किताबें, मुझे भी पता ही है, सब किताबें हम लोग भी देख चुके हैं, ठीक है, अर्जी फर्जी वाला काम ना करो, बेहतर तरीके से देखो, यहाँ पे दिमाग खराब कर देता है यार। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, मोहन तीन वस्तुओं में से, अब तीन वस्तु आ गया, मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, मोहन तीन वस्तुओं में से प्रत्येक को 690 रुपए की दर से खरीदता है और पहली वस्तु को 40% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 30% हानि पर तथा तीसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। मैं आपको बताना चाहूंगा यदि व्यापार में, नोट में लिख लीजिए, यदि व्यापार में तीन वस्तु हो और प्रत्येक का सीपी समान हो तो पूरे व्यापार में प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर x+y+z/3, यहां पर लिख सकते हैं %1+%2+%3/3। तो लोग डायरेक्ट लिखे x+y+z/3। अब यहां पे ध्यान देंगे तो x के जगह में यहां पे कितना है, x के जगह में 40 और लाभ है तो प्लस होगा, हानि है तो माइनस होगा, और जेड होगा तो प्लस होगा। यहां पे डायरेक्टली बैठा दीजिए आप, 40 प्लस में हो जाएगा, 30 हानि पर हो जाएगा और 20 प्लस में हो जाएगा, भागा तीन वस्तु रहेगा, तीन चार वस्तु रहेगा, चार पांच वस्तु रहेगा, पांच नहीं रहेगा, दो वस्तु से अधिक मैक्सिमम तीन वस्तु रहते हैं, उससे अधिक पूछा नहीं जाता है, परेशान ना रहिए। 40 में 20 दोनों को जोड़िएगा, यहां पर हल करेंगे 60 और 60 में 30 को घटा देंगे, फिर 3 से भागा देंगे, 60 में 30 घटा 30, 30 को 3 से भागा दीजिए, 10 आ गया, क्या आ गया, 10% लाभ होगी, 10% क्या होगी, 10% लाभ होगी। अगर यहां पर माइनस में आएगा तो आंसर क्या होगी, 10% माइनस होगी, ठीक है। तो आप तमाम प्यारे बच्चों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया, अब इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे जहां पर विक्रय मूल्य समान होगा, ठीक है,
तो आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद बच्चों, ओके, गुड नाइट, गुड बाय, गुड, जो भी है जब भी देख रहे हैं तब तक के लिए समाप्ति के बाद है, ठीक है, अगले चीज के लिए, अगले टॉपिक के लिए हम लोग तैयार करते हैं, ओके।